बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? बाबा साहब अंबेडकर ने पहले सामाजिक आंदोलन चलाया, किस तरह से भारत सत्याग्रह से लेकर के फिर समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए गांधी ने जो विरोध किया अंग्रेजों से, वो जो दो वोट का अधिकार लाए, फिर बाद में वो गांधी ने के विरोध के कारण वो पुनः पैक्ट हुआ, और आगे 1932 में एलेना गांव में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखो भाई, हिंदू व्यवस्था में रहते हुए ये बहुजनों का दलितों का उद्धार नहीं हो सकता, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये व्यवस्था जाति प्रथा की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरी बस की बात नहीं थी। इट वॉज नॉट इन माई हैंड टू बॉर्न इन द हिंदू। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू धर्म में पैदा हो गया ये मेरे बस की बात नहीं थी, उसके बारे में और क्लियर? मैं बताता हूँ, कोई भी मनुष्य कहीं भी पैदा हो सकता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कोई कहाँ पैदा हो गया, लेकिन जातियां तो बनाई गई हैं। तो ये बाबा साहब ने इसलिए कहा कि ये मेरे बस में नहीं था, बिकॉज नेचुरली बॉर्न इन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बाबा साहब ने फिर क्या किया, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्हें समझाया, भाई चेंज करो इसको, जाति प्रथा दूर करो। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा नहीं हम ठीक करेंगे, तो बाबा साहब ने कहा कोई ठीक नहीं कर पाया, महात्मा कम्स एंड गोस, महात्मा आए और चले गए, कभी भी जाति प्रथा नष्ट नहीं हुई। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज बनाया, आज 1975 तो भी आप तो सवा साल हो गए, तो हिंदुओं के जितने भी महात्मा हैं ये झूठे लोग हैं, महात्मा कम्स एंड गोस, ये जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती, ये आती है, आती है, आती है, ये कभी नहीं जाती, जैसा रैदास ने कहा है, जाति जाति में जाति है जो केलन में बात, ऐसे कहा रैदास ने, कहा कबीर ने भी, कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जाति प्रथा का खात्मा तब तक नहीं होगा तब तक जो मूलवासी बहुजनों का, ये दलित वर्ग या बहुजनों का उत्थान नहीं होगा, ये तो बात कही। देखो उन्होंने फिर 15-20 साल नहीं, पूरे 21 साल 1932 एलेना गांव से लेकर के 1956 नागपुर में, 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। तो बाबा साहब पे कोई ये नहीं आरोप लगा सकता कि उन्होंने मौका नहीं दिया हिंदुओं को सुधरने का, पूरे 21 साल बाबा साहब अम्बेडकर ने मौका दिया हिंदू धर्म में सुधार के। अरे बाबा साहब को तो इन्होंने मजबूर कर दिया हिंदुओं ने रिजाइन करने के लिए 1951 में, बाबा नारियों को जब वो आजाद करा रहे थे हिंदू गोडविल में, नहीं करेंगे जी नारियों को अधिकार नहीं देंगे, बाबा साहब को मजबूरी में रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद फिर बाबा साहब लड़े, बाबा साहब को हरा दिया। जब बाबा साहब ने देखा कि ना तो ये हिंदू लोग सामाजिक आंदोलन को ठीक करने देंगे, यहाँ समता मैत्री भाईचारा की स्थापना नहीं हो सकती, जब बाबा साहब ने देखा कि मैंने संविधान बनाया मुझे ही नहीं जीतने दिया भारत में कांग्रेस के लोगों ने, तो फिर कौन लोग जीतेंगे, इसका मतलब प्रतिनिधि यहाँ नहीं होंगे, तो कभी राजनीतिक वातावरण ठीक नहीं होगा। जब बाबा साहब ने देखा सामाजिक वातावरण, यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, और ये ब्राह्मणवादी लोग ये अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर करके आ गए हैं, ये भारत के लोगों को आजाद नहीं करेंगे, तो फिर बाबा साहब ने आजादी का असली रास्ता हिंदू धर्म छोड़ने का दिया, और 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म ने अपनाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए बाबा साहब चले गए, और उन्होंने साथ में 22 प्रतिज्ञाएं दी, लिख करके दी डॉक्यूमेंटेड। बाबा साहब का हर इसलिए भी घर घर में चित्र लगाते हैं, क्योंकि बाबा साहब का चित्र केवल चित्र नहीं है, यह पूरी बहुजनों की प्रेरणा की निशानी है, आजादी की निशानी है, 18 डिग्रियों की निशानी है, कपड़े पहनने की निशानी है, और वोट के अधिकार की निशानी है, ब्राह्मणवाद को उखाड़ने की निशानी है। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं, और माननीय काशीराम साहब को इसलिए नमन करते हैं कि बाबा साहब ने जो लिखा, जो बहुजन इतिहास बुद्ध ने और बाबा साहब ने त्रिपिटक में, बुद्ध ने लिखा धम्म में त्रिपिटक में,
और जो धम्म के संदर्भ में जो बुद्ध ने लिख गए, बाबा साहब ने कानून में लिखा, उसी को मान्यवर काशीराम साहब ने साइकिल पे चल करके गांव गांव में मजदूरों पे सिखा दिया और जीवन में उतार दिया। किस तरह से जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, ये कह करके। लेकिन आज हम काशीराम साहब को सिर्फ नारे लगा के नहीं, वोट डाल के बताएंगे हम काशीराम साहब के मानने वाले। हम बहुजनों के भारत को, बहुजन भारत को आजाद करके बताएं। मैंने देखा है लोग जय भीम करते हैं, आज तो आरएसएस वाले भी जय भीम कर रहे हैं। 50-70 साल से कांग्रेस वाले जय भीम करते थे और कांग्रेस वालों ने, पूरा कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को बुरी तरह से हराया। कांग्रेस वालों ने 1932 में गांधी ने बाबा साहब का सर जो अधिकार लाए छीन लिए, तो कांग्रेस के चौनी के मेंबर ना बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, ऐसा बाबा साहब ने संदेश दिया। तो जय भीम वाले कौन से नकली अंबेडकर वादियों को, मैं यहां से भारत के नकली अंबेडकर वादियों को जो कांग्रेस की विचारधारा मानते हैं, जो बीजेपी के विचारधारा मानते हैं, जो बाबा साहब के समता वर्ड को नहीं मानते, समरसता कहते हैं, जो बहुत काशीराम साहब के बहुजनों को नहीं मानते वो दलित कहते हैं, अरे दलित, ये हरिजन, ये वंचित, ये समरसता, ये सब जान बूझ के बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए किए ही है। तो ये शब्द शासन करता है। आज मान्यवर विचार, मान्यवर काशीराम साहब के जन्म जो परिनिर्माण दिवस पर यहां से बहुजनों को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अगर कोई बहुजन दलित वलित कहता मिल जाए, समझ लेना कि वो कांग्रेसी है। अगर कोई जय भीम करने वाला वंचित और समरसता शब्द उपयोग करता हुआ मिल जाए, तो समझ लेना वो आरएसएस वाला है। अगर कोई जय भीम करने वाला हिंदुस्तान शब्द कहता हुआ मिल जाए, समझ लेना ये देशद्रोही है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, भारत। इस देश का नाम क्या है? भारत है। तो फिर इस देश का प्रधानमंत्री काशीराम हमारा है। इस देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्या जो प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ ली, क्या वो इस देश के साथ इंसाफी कर रहे हैं? नहीं। क्या इस देश का मीडिया नहीं, क्या इतने समझदार नहीं है कि वो भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का क्यों उपयोग करते? वो भारत क्यों नहीं कर सकते? जानबूझ के नहीं करते। दरअसल उन्हें इस देश से प्यार ही नहीं है, दरअसल इस देश के संविधान को मानते ही नहीं है, दरअसल वो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए शब्द को, समता को नहीं मानते, इसलिए आरएसएस वाले समरसता वर्ण बोलते हैं। बाबा साहब के समता, मैत्री, भाईचारा, संविधान और भारत शब्द को नहीं मानते, इसीलिए ये कांग्रेस वाले दलित और हरिजन शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहां से 135 करोड़ भारतीयों को, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। क्या भाई आप कोई भी अपने पिताजी का नाम गलत लेता? भाई क्यों? बेइज्जती लगती है ना। तो देश का नाम लेने पर इस मीडिया के लोगों को बेइज्जती क्यों नहीं लगती? मेरा प्रश्न यह है कि जी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, सारे जिस टीवी में खोलो उसमें भारत का नाम हिंदुस्तान कहते हैं। अरे ये हिंदुओं का स्थान नहीं है, भारत में 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और बौद्ध। जब छह धर्म है तो 5 धर्मों वालों से मैं ये कहता हूं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये है नेम ऑफ दिस कंट्री इंडिया, भारत।